तो गॉडजिला एक्स कॉन्ग न्यू एम्पायर मूवी से रिलेटेड एक काफी कमाल का टीवी स्पॉट या कहो कि सीन निकल कर आया है, जिसके अंदर हमें हमारे कई सारे क्वेश्चंस का आंसर देखने को मिल रहा है। जैसे कि ट्रेलर के एक सीन में कॉन्ग इजिप्ट में क्या कर रहा है, गॉडजिला और कॉन्ग फिर से फाइट क्यों कर रहे हैं, मोथरा का इस मूवी में क्या रोल होगा और गॉडजिला और कॉन्ग कैसे एक साथ फिर से आएंगे, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें इसी टीवी स्पॉट में देखने को मिलने वाला है। इसलिए आज हम इसी टीवी स्पॉट को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो बिना किसी स्पॉइलर वार्निंग के चलिए शुरू करते हैं। तो इस टीवी स्पॉट की स्टार्टिंग में हमें कॉन्ग दिखाया जाता है, जो कि इंसानों के पास आया है मोनार्क के एक बेस के अंदर, जो कि हॉलो अर्थ में है। एंड इस टाइम कॉन्ग की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि कॉन्ग अभी अभी स्कार्किंग और सीमू से फाइट करके आया है और उस फाइट में वो सीमू से बहुत ही बुरी तरह हार गया है, जिस वजह से उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा। यहीं पर हमें मिनी कॉन्ग भी दिखाया जाता है, जो कि इंसानों को देखकर थोड़ा सा डर रहा होता है, क्योंकि इससे पहले उसने इंसानों को कभी भी नहीं देखा था। इसके बाद जिया के थ्रू हमें ये बताया जाता है कि कॉन्ग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और अभी वो बहुत ही ज्यादा दर्द और तकलीफ में है। वैसे ये बात हमें बताने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि कॉन्ग की शक्ल देखकर ही मुझे ये पता चल गया था कि वो सीमू से बुरी तरह से पिट चुका है। इसके बाद सभी ह्यूमंस मिलकर कॉन्ग का इलाज करते हैं और साथ ही वो उसे एक मेटल का हाथ भी देते हैं, जिसके बाद कॉन्ग पहले की तरह फिर से फिट हो जाता है। तभी जिया उससे कहती है कि अगर तुम्हें अपना घर वापस पाना है और उन्हें हराना है तो तुम्हें किसी की हेल्प चाहिए होगी। ये सुनकर कॉन्ग वहाँ से जल्दी से चला जाता है और अर्थ पर इजिप्ट में आ जाता है, ताकि वो गॉडजिला से मदद मांग सके। लेकिन जैसे ही कॉन्ग इजिप्ट में आता है, गॉडजिला उसे देख के काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के लास्ट में इन्होंने एक दूसरे से डील की थी कि कॉन्ग हमेशा हॉलो अर्थ में रहेगा और गॉडजिला अर्थ पर। एंड शायद इसीलिए जैसे ही गॉडजिला कॉन्ग को अर्थ पर देखता है, वैसे ही वो उससे फाइट करने उसकी तरफ आने लगता है। इसके अलावा अगर आप नोटिस करो तो जब गॉडजिला कॉन्ग से फाइट करने आ रहा होता है, तब कॉन्ग बार बार हॉलो अर्थ की तरफ ही देख रहा होता है, जिसका मतलब है कि कॉन्ग यहाँ पर अकेला नहीं है बल्कि उसका कोई पीछा कर रहा है, जो कि शायद से शीमू और स्कार्किंग हो सकते हैं। एंड आई थिंक इसीलिए जब गॉडजिला कॉन्ग पर अटैक करने आता है, तब कॉन्ग गॉडजिला को हॉलो अर्थ की तरफ इशारा करता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि एक्चुअल में वो विलन नहीं है, बल्कि जो असली विलन्स हैं वो उस पोर्टल से बाहर आने वाले हैं, इसलिए उन्हें उनसे फाइट करना है, ना कि आपस में। लेकिन गॉडजिला उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो कॉन्ग से फाइट करने लगता है। बट इसके अलावा यहाँ पर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ये जो हॉलो अर्थ का पोर्टल है, उसकी कोई एक टाइम लिमिट होगी, जो कि शायद अपनी लिमिट के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसलिए कॉन्ग यहाँ पर गॉडजिला को अपने साथ आने के लिए बोलेगा कि उसे अपने घर को बचाने में उसकी हेल्प चाहिए हॉलो अर्थ के अंदर। बट क्योंकि गॉडजिला की कॉन्ग से दुश्मनी है, इसलिए वो उसकी कोई बात सुने बिना उस पर अटैक कर देगा और हमें इन दोनों मॉन्स्टर्स के बीच एक काफी कमाल की फाइट दोबारा से देखने को मिलेगी। एंड शायद यही वो मोमेंट होगा जब मोथरा हमें दोबारा से मॉन्स्टर वर्स के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि आई थिंक कॉन्ग और गॉडजिला की इस फाइट को ही रोकेगी और इन दोनों को साथ लाएगी शीमू और स्कार्किंग के खिलाफ, जिसके बाद ये दोनों मिलकर स्कार्किंग और सीमू से फाइट करेंगे। तो ये वाला सीन या टीवी स्पॉट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, और आप इस मूवी के किस मोमेंट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो ये भी मुझे जरूर बताना। एंड अगर आपको मॉन्स्टरवर्स की वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो।